आदमी अपने आप से भाग सकता है, आदमी किस्मत से है। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। वो उस महल से आए। इतने सारे फिल्में एक साथ करने का क्या रीजन है? क्या इतने ट्रोलिंग के बाद भी नहीं माने हार? बॉलीवुड के वेरी फेमस खिलाड़ी अक्षय कुमार छाए हुए हैं काफी सालों से, जिसको इस इंडस्ट्री में हुए हैं तकरीबन 30 साल, और आज तक उनका हार्ड वर्क लव बहुत ज्यादा काम आया है। बट अब वो थोड़े से बैकलॉग में जा रहे हैं उनकी रीसेंट रिलीज के परफॉर्मेंस को लेकर, बट स्टिल उनकी कई सारी मूवीज ऑन द वे है और सभी फिल्मों की चॉइस एक से एक है उनकी, जैसे कि दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्म राम सेतु और दूसरी तरफ एक हिस्टोरिकल जॉनर वाली फिल्म पृथ्वीराज। तो देखते हैं क्या कमाल दिखाएंगे इस बार वो। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म राम सेतु के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसे कि हमने बोला, राम सेतु आ रही है और साथ ही साथ ट्रोलिंग भी हो रही है, और वो ट्रोलिंग इनकी पिछली पूरी की पूरी फिल्म और ये फिल्म के पोस्टर को लेकर हुई है। और बता दे, इसमें होंगे अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा, और ये फिल्म होने वाली है एक हिस्टोरिकल फिल्म बट मॉडर्न टच के साथ बताया जाएगा, और इसमें जैकलिन और अक्षय निभाएंगे आर्कोलॉजिस्ट और नुसरत होगी इसमें अक्षय की लवर। अब ये बात का सभी को अच्छा खासा आइडिया आ गया होगा, बट क्या लगता है आपको ये फिल्म हिट जा पाएगी? इतने ट्रोलिंग के बाद भी आज तक अक्षय ने हार नहीं मानी है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि कुछ फिल्में फ्लॉप करके कुछ चीजें सीखने को मिलती है, और वैसे भी सक्सेस इजीली मिलने वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अभी ही उनकी फिल्में फ्लॉप जा रही है, बीच में भी उन्होंने 3-4 मूवी ऐसी की थी जो बहुत फ्लॉप गई थी। बट इनका एक बात अच्छा है कि कितनी भी फिल्में फ्लॉप गई हो, वो उसके बाद फिर भी हर दूसरी मूवीज में जरूर नजर आएंगे। और उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी है, जैसे कि हाउसफुल के स्टार्टिंग के बाद सूर्यवंशी, कई सारे रियल बेस्ड फिल्म जैसे एयरलिफ्ट, बेबी और भी बहुत सारे। अब अक्षय जी हर टाइप की फिल्में करना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो फिल्म बिजनेस के लिए तो करते ही है, बट साथ ही साथ वो फन एंड एक सोशल मैसेज देने वाली फिल्में भी करते हैं। अब वो फ्लॉप चली जाती है तो उनका कोई कसूर नहीं है, बिकॉज ऑडियंस को भी हर टाइप की फिल्में देखना नहीं पसंद है। अब ये श्योर है कि ऑडियंस को राम सेतु जैसी फिल्म बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म एंड काफी नॉलेजेबल फिल्म होने वाली है ये। तो देखते हैं अक्षय का बैड फेस खत्म होगा या चलता ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ, तो उसके लिए देखते रहिएगा बॉलीवुड स्टूडियोज़।